वेलकम टू रूट्स एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम कैसे एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने सबसे पहले स्टेप लिख रखा है। यहाँ पे जितने भी स्टेप अप्लाइड करेंगे क्वेश्चंस में इसको सिंप्लीफाई करने में, वो सारे स्टेप मैं लिख चुका हूँ, ठीक है। इन सब के स्टेप का अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि डिवाइड बोथ साइड बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या करना है कि जो ये क्वेश्चन है इसके क्वेश्चन को हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आज हम डिवाइड करते हैं। तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे, 2। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2x² - 7x + 3। और इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 2 से, इक्वल टू बोथ साइड हमें डिवाइड करना है। ये हम सबको पता है कि मैथ्स का रोल ही क्या होता है कि जो चीज़ भी हम करेंगे हमें दोनों तरफ करना होगा, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी चीज़ करेंगे LHS एंड RHS दोनों तरफ करना होगा। तो कर लिया। अब यहाँ से क्या करना है, हमें इसको अलग अलग कर लेना है, 1, 2, 3 टर्म है ना, तीनों टर्म को अलग अलग कर लेना है। तो अलग अलग करते हैं इसको। अब 2x² - 7x + 3/2 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जैसे कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² - इसको आप अब ऐसे लिख ले 7/2x एंड प्लस ये 3/2 = 0 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे सेकेंड स्टेप क्या लिखा हुआ है कि सेपरेट द नॉन वेरिएबल टर्म इनटू RHS। जो यहाँ पे नॉन वेरिएबल टर्म है, नॉन वेरिएबल टर्म हम किसको कहते हैं, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है, यानी ABCD का लेटर नहीं होता, उसको हमें RHS में सेपरेट कर देना, शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पे रख लो, ये इधर क्या बच जाएगा, x² - 7/2x, और ये इधर चला जाएगा यानी RHS में, यही है नॉन वेरिएबल टर्म, तो इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, -3/2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद ये हो गया सेकेंड स्टेप। देखिए थर्ड स्टेप क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। ऐड, हमें क्या करना है, ऐड 1/2 × कोफिशियंट ऑफ x² 1/2 × कोफिशियंट ऑफ x का जो x होगा उसके स्क्वायर को हमें दोनों तरफ ऐड करना है। तो देखो कैसे होगा, ये हाफ है तो आप इधर रफ में कर ले, 1/2 × कोफिशियंट ऑफ x, कोफिशियंट ऑफ x देखो क्या है यहाँ पे, 7/2, तो 7/2, लेकिन माइनस में है तो माइनस का ले लो 7/2, और इसका क्या करना है, स्क्वायर, तो स्क्वायर, ठीक है। लेकिन देखो जब माइनस का स्क्वायर होता है तो ये प्लस ही बन जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, माइनस को हटा दो तो 7 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, इसका स्क्वायर हमें क्या करना है, इसके दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो चलो ऐड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x² - 7/2x एंड प्लस 7/4 होल स्क्वायर, इसके दोनों तरफ ऐड कर दिया हमने, इक्वल टू, अब यहाँ -3/2 है तो -3/2 + 7/4 होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा फाइनल यहाँ से, देखो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा है मैंने, ये ऐड करने के बाद हमें सिंप्लीफाई भी करना है विद द हेल्प ऑफ a+b² और a-b² ठीक है, उसकी मदद से हमें इसको सिंप्लीफाई भी करना है। तो यहाँ पे देखिए ये कैसे बन जाएगा, a का स्क्वायर आप इसको बना ले, a² - ये जो है ना 2ab के टर्म पे जा रहा होगा, 2a की जगह पे तो ये x होगा, इंटू b की जगह पे ये क्या हो जाएगा, 7/4, ये 4 है ना तो 4 ही होगा। आपको कैसे पता चलेगा कि a और b की जगह पे क्या है, तो स्क्वायर को हटाए, जैसे स्क्वायर को ढकेंगे तो 7/4 दिख जाए, ठीक है। अब इसके बाद 2ab हो गया एंड प्लस b² तो b तो यही होगा, 7/4 है तो यही होगा, इक्वल टू, अब फाइनल यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3/2 एंड प्लस ये 7/4 है ना तो इसका स्क्वायर कर लो तो क्या हो जाएगा, 49/16, ठीक है। अब फाइनल ये क्या हो गया, a² - 2ab + b² तो ये हो जाएगा a-b² तो देखो वही चीज़ मैंने बताया था कि a+b² और a-b² पे लेके आ जाना है, तो आ गया, इक्वल टू, अब इधर क्या करो, 2 और 16 का LCM ले लो तो 16 आ जाएगा, तो और उसके बाद फाइनल 2 8 = 16 तो 8 3 = 24, माइनस क्या है तो माइनस का 24, प्लस है तो प्लस, फिर 16 1 = 16 तो 49 1 = 49 ये आ जाएगा। अब x - 7/4 का क्या कर लो, स्क्वायर, इक्वल टू, अब इन दोनों को माइनस प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 49 से 24 जाएगा तो क्या आ जाएगा ये 25, अब 25/ ये क्या हो जाएगा 16। अब देखो यहाँ तक आ चुके हैं, इसके बाद लास्ट स्टेप क्या है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, हमें दोनों तरफ का क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो चलो स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ, तो ऐसा अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x-7/4 का होल स्क्वायर
इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25/16, ये आ जाएगा। अब फाइनल हमें क्या कर लेना है, अब इसी को सिंप्लीफाई करना है। तो ठीक है, मैं अब स्क्वायर रूट के अंदर हमें पता है कि जब दो होता है तो एक बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 7/4 इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस के साथ निकालेंगे, प्लस माइनस ये 5/4 क्या आ जाएगा, 4। अब एक बार आप प्लस ले और एक बार माइनस ले, तो एक बार जब हम प्लस लेंगे तो एक्स माइनस 7/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/4, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5/4 एंड प्लस 7/4, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, 12/4, तो यानी कि आ जाएगा ये 3, x इक्वल टू आ गया क्या, 3। ठीक है, और जब हम एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, यानी टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक है, माइनस को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव साइन लेंगे, तो नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 इक्वल टू यहाँ जो प्लस माइनस है इसमें से, तो माइनस ये क्या हो जाएगा, 5/4, माइनस 5/4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 5/4 एंड प्लस 7/4, ये आ जाएगा। अब फाइनल यहाँ से x निकाल लो, तो 4 का LCM तो 4 ही आएगा, तो माइनस 5 प्लस ये 7 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 में से 2/4, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों वैल्यूज निकल गई, एक क्या आ गया है 3 जब हमने पॉजिटिव साइन लिया है तो, और एक आ गया है 1/2। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, और दूसरे क्वेश्चन में भी ये सारे स्टेप जो हैं ये अप्लाई होगा। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या अप्लाई करना है, कि बोथ साइड हमें डिवाइड करना है किससे, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट से। तो चलो डिवाइड कर लेते हैं, जैसे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2x² प्लस एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2। अब जैसे इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखो, आप इसको ऐसे लिख ले, 2x² / 2 प्लस एक्स 2, एंड फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस 4/2 इक्वल टू 0 को 0 से 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अब फाइनली ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस ये जो एक्स 2 है इसको 1/2 इंटू एक्स लिख ले आप, इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 0 आ गया। अब फाइनल यहाँ से क्या कर लेंगे, देखो सेकेंड स्टेप अप्लाई करेंगे, सेकेंड स्टेप में क्या कह रहा है कि सेपरेट द नॉन वेरिएबल टर्म इंटू RHS, ये जो नॉन वेरिएबल टर्म है जिसके साथ कोई भी नहीं होता, तो इसको हमें RHS में भेज देना है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू एक्स एंड इक्वल टू इधर जाके 0 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, 2। अब नेक्स्ट स्टेप जो है तीसरा, वो हमें ऐड करना है 1/2 इंटू कोफिशियंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, दोनों तरफ ऐड करना है। तो देखो ये क्या कह रहा है, 1/2 इंटू कोफिशियंट ऑफ एक्स, तो देखो यहीं है एक्स का कोफिशियंट क्या है, 1/2, तो 1/2 और इसका होल स्क्वायर ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा फाइनल, 1 1 जा 1 अपॉन 2 2 जा 4, ये होल स्क्वायर ऐड करना है। तो चलो ऐड करते हैं इसके दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 x एंड प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 2 + 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, दोनों तरफ हमने ये ऐड कर दिया, और ये तो वैसे भी मैथ्स का रूल ही है कि जो भी चीज़ हम करते हैं वो दोनों तरफ करते हैं, तो हमने ऐड कर दिया। अब फाइनल देखो यहाँ पे जब भी आ जाएगा ना, तो इसको आप ऐसे बना के देखो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह पे तो ये x होगा, एंड इनटू b की जगह पे ये 1/4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब माइंड में आएगा, सर इसको आप ऐसा लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे लेके जाना है, इसलिए हम इसे ऐसा लिख रहे हैं। तो फाइनल अब देखो ये क्या हो जाएगा, अब इसको इससे कैंसिल करोगे, अगर इससे इसको कैंसिल कर लो तो 2 आ जाएगा, तो 1/2 और x है तो x, तो वापस यही टर्म आ रहा है, मतलब कि अभी सही है ये। ठीक है, तो आप इसको 2 रखो और इसको 4 ही रखो। अब इक्वल टू इधर 2 प्लस इसका 1 का 1 एंड 4 का क्या हो जाएगा, 16, तो ये हो गया। अब ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, यानी ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू, अब इसके नीचे 1 लगा के आप प्लस करेंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 1 और 16 का एलसीएम 16, तो 16 2 जाइए कितना हो जाएगा, 32 + 1, तो फाइनल हो जाएगा ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 33/16। अब देखो इसके बाद मैंने क्या बताया, इसके बाद मैंने बताया है कि ये क्वेश्चन स्टेप 4, इसमें हमें क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, हमें दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेना है। तो चलो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो जैसे ही हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर एंड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 33/16। ठीक है, तो फाइनल देखो अब ये क्या मिल जाएगा हमें, ये वाली चीज़ें इरेज कर रहा हूँ,
अब फाइनल यहाँ से हम कर लेंगे इसको। तो अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जब कोई भी चीज़ का क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो उसमें से एक बाहर आ जाए, तो मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन अपॉन फोर, स्क्वायर रूट अब हट गया क्योंकि दो था, अब इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ देखो दो चीज़ें हैं, 33 है एंड 16 है, तो 33 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो 33 स्क्वायर रूट में ही रह जाएगा, लेकिन 16 का निकल जाएगा 4, तो आप इसका निकाल लेना। तो ऊपर वाला तो अंडर रूट में ही रह जाएगा, 33 अपॉन नीचे का निकल जाएगा कितना, 4, ठीक है। लेकिन अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि यहाँ से सब जब निकलेगा तो प्लस माइनस के साथ निकलेगा, तो आप इसको प्लस एंड माइनस दोनों निकालना होगा आपको। अब यहाँ से एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन ले लो, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन ले लेंगे तो x प्लस वन अपॉन फोर इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 33 अपॉन फोर, क्योंकि प्लस वाला ले रहा है। अब इसको RHS में शिफ्ट कर दो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 33 अपॉन फोर एंड माइनस वन अपॉन फोर, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4, एंड ये हो जाएगा 33 माइनस वन, ये यहीं पे रह जाएगा क्योंकि हम इसका कुछ आगे कर नहीं सकते। अगर हम टेकिंग नेगेटिव साइन लेते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, टेकिंग नेगेटिव साइन, आप नेगेटिव साइन ले ले तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस फोर RHS का तो यही रहेगा, लेकिन अब हमें माइनस वाला लेना है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 33 अपॉन फोर, ठीक है, हमें ये ले लेना है। तब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू इसको इधर भेज दे तो माइनस का 33 अपॉन फोर एंड माइनस वन अपॉन फोर, ये आ जाएगा। तो फाइनल अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 का LCM 4 और इधर का ये माइनस 33 एंड माइनस वन, तो ये हो जाएगा। अगर यही फाइनल यहीं पे आंसर रह जाएगा, आप यहीं पे रह सकते, वैसे आप माइनस कॉमन भी कर सकते थे, ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है।